जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपया मूकोऽपि वाचा लताम् पंगु पर्वत लंघने किल महाम सामर्थ्यमेति क्षणात् जनमान्धोऽप्यरविन्द सदृशदृशो द्वन्द्वं किमन्यत परम् वन्दे चक्रधरं प्रसन्नवदनं भक्तस्य चिन्तामणि भक्तस्य चिंतामणि श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्रातः काल रु भक्त मानकर दर्शन करिवा पाई जो व्यग्रता ताहा दृश्य होची अनंत कोटि ब्रह्मांडर हर्ता कर्ता दैव विधाता महाप्रभु श्री जीव मानकर श्री चरणारविंद रे अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक जय जगन्नाथ टीवी रो दर्शक बंधु मानक मध्य अधम पद्मनाभ हृदय गभीरतम प्रदेश रु श्रद्धा सम्मान प्रणाम ज्ञापन करुची भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र ये जो भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र टी ये क्षेत्र जो क्षेत्र रे सदा सर्वदा भक्त मानकर ये स्थान केमिति टिके महाप्रभु को दर्शन करिवे कृपा लाभ करिवे दुख सुख जणी देबे ये इच्छा आकांक्षा सदा बेले रे प्रत्येक ओडिया घरे थाए। एभली भाव रे महाप्रभु कर संस्कृति ओडिया परंपरा सहित जड़ित प्रत्येक पूजा पार्वण ठारु आरंभ करी विविध प्रकार रीति नीति भल मंद सबुथिरे कालिया सांतंकर उपस्थिति होची स्वतंत्र सेथिपाई जगन्नाथ महाप्रभु ए भली देवता प्रत्येक घरे घरे महाप्रभु को अर्चन करा जाई थाए। प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक समय रे अज्ञातरे मध्य भगवान जगन्नाथ को अनेक उड़िया उच्चारण करि थांती एहा निश्चित भाव रे समस्त को पाखरे अछि का पाखरे टिके कम थिले का पाखरे अधिका थाई पारे गोटे सुंदर दीपोटी आपण माने देखु छथि जळुछि ए संसार रे आम प्रत्येक मनुष्य रे होचंते अंतरात्मा मध्य रे गोटे परमात्मा रूपक दीपोटी जळुछि तेनु ए दीप सहित मनुष्यर जीवन को जोड़ी दिया जाइछि आचार्य श्रीमाने ए जीवन सहित दीप को मध्य जोड़ी दैछंती जेते बेले रे दीपरु तेल सरी जीव दीपटी लिभी जीव से भली भाव रे आयुर्नश्यति हि प्रतिदिनं जाति क्षयं यौवनम् आयुर्नश्यति प्रतिदिनं प्रतिदिन प्रत्येक मानवर गोटिए दिन आयु कमी थाए तेणु सेई अनुपात रे इष्ट देवतांक प्रति अनुराग वर्धित हवा आवश्यकता अच्छे तो खाली आम जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र रु महाप्रभु धाम रु जेहेतु ये लीला धर्म संस्कृति नीति
या उपर आलोचना करूचे महाप्रभु को कहूँ महाप्रभु क्षेत्र रु प्रत्येक ये आलोचना चली अतएव जहाँकर जो ठाकुर प्रति एकांत भाव रही से सब गोटे कारण सर्वदेव मयम चांते पश्यंती पुरुषोत्तम सर्वदेवतांकर दर्शन सरला परे शेषे जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन भक्त करे तीनोटी जाक धाम परिक्रमा करी भक्त माने आसिला परे पुरुषोत्तम धाम रे शेषे पहुँचती सेथिपाई ये जो धाम रही जो देवता अनुराग अच्छी से देवता श्रीचरण अरविंद समर्पित रुहतु किंतु निश्चित भाव आप महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाखे पहुँचे से जे भली भाव कई सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति जिते आम नमस्कार जहाँ करूचे देवता मान को ए नमस्कार टी शेष पर्याय केशव पाखे पहुँच से भाव जगन्नाथ महाप्रभु पुरुषोत्तम क्षेत्र जो सुंदर स्वरूप पतित पावन को भक्त माने कमनीय स्वरूप दर्शन करती चका डोला दीटा जाकर तत्व को जानी हम ना तेणु से पुरुषोत्तम नारायण श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु परम पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे केवल जदि आम समर्पित हो जा समर्पण भाव पलिव निश्चित भाव रे भगवान करुणा करिवे एतरे संदेह ना आज प्रात काल रु भगवान द्वार फिटा नीति अनुष्ठित हो सारी द्वार फिटा पर कालिया सांतंकर जहाँ द्वितीय नीति होची मंगल आलत्री जहाँ आम पाखरे खबर अनुसार द्वार फिटा नीति महाप्रभुंकर अनुष्ठित होइछि पांचटा बाजी एकतीस मिनिट रे तेणु पांचटा एकतीस मिनिट रे आज द्वार फिटा नीति अनुष्ठित होइछि से दृष्टि महाप्रभुंकर द्वार फिटा पर मंगल आलत्री छटा चौरालीस जेहेतु पारंपरिक विधि महाप्रभुंकर मंगल आलत्री होता है छटा चौरालीस मिनिट रे मंगल आलत्री नीति संपादन करा जाई छंती एवं प्रभुंकर यहाँ परे जो अन्यान्य नीति रही नीति मध्यरे महाप्रभुंकर अवकाश नीति अर्थात बेसटी मैलम हेबे महाप्रभुंकर अवकाश हम ये अवकाश नीति की दर्शन करिबा पाई भक्त मानक पाखरे गोटे व्यग्रता थाए तेनु अवकाश मानको रे मो लालसा होइथिब अहर्निश
तेते बेले डोले हेले न देखीबी ब्रह्मा रुद्र दीन ईश मोहा यही कथारे मो मन नीति देखु थीबी नीलाद्री मंडपे नीति देखु थीबी नीलाद्री मंडपे कंज सुंदर बदन महाप्रभु यही कथारे मो मन कालिया सांतंकर अवकाश को देखिबा पाई भक्त मानक पाखरे जो उत्कंठा व्यग्रता थाए ताहाकु वाक्य रे प्रकाश करी हबो नाही काहेकि ना सी जो उत्कंठा से जो व्यग्रता आत्मीय को दर्शन करी देले जेतिकी तृप्ति आसे सही तृप्ति महाप्रभु को दर्शन कले मिले सेथिपाई जगन्नाथम लोकनाथम नीलाद्रीश परो हरि कली कालो भव पापम तत्क्षणं तस्य नश्यति जगन्नाथ लोकनाथ तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जेतेबेले आमे कालिया सांतंकु दर्शन करे सते की आम पाखरे गोटे सत सिंहर बल होती सृष्टि जाए प्रत्येक पाप ध्वंस हो गला भली अनुभव हुए हे महाप्रभु कारण जगन्नाथ पाखरे जेतेबेले भक्त टी पहुंची जाए से तार हृदय वेदना को संसार दुख को परिप्रकाश कर दिए ये अद्भुत प्रकार लीला इथिपाई आपण माने देखुचंती श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जो दीपटी जलुची प्रकृत रे से दीप भी जलुनी आपण माने भाविबे कोन दीप जलुनी दीप तो जलुची आ दीप जलुनी कोन अरे दीप लिभिगला आमे कहिबा से दीप भी लिभुना लिभुची किए से ना बलिताटी लिभुची तेलटी सरुची किंतु आमे कहूचे दीप जलुला दीप लिभिगला दीप जलु नथिला बलिता जलुला तेल थिला तेल सरीगला बलिता लिभिगला कहूचे दीप लिभिगला ये संसार रे ये मनुष्य शरीरटा होची सेया अर्थात तो, आमे कहूचे जे शरीर जाउचंती तार चालुची जीवासिया करुची खाउची पिउची सब करुची ठीक कथा अरे ये शरीरटा संपूर्ण सतेज जाइकिरी सब शरीर करुची बोली कह जाउची तबे शरीर भितर जेतेबेले परमात्मा पळैबे सेतेबेले ये शरीर किछ करिवनी तापर आमे कहबा अरे ता होचंती मरियोला ता शरीर आउ कुसे शरीर कोनो फिंग दियो त नले पोडी दियो जार जा धर्म अनुसार अछि अतएव ये शरीर केटा होचंती इथि पाई श्रीमद् भागवत गीता रे जाकी भगवत कथा अनुजाई भगवान श्री कृष्ण मुख निस्वृत बाणी अर्जुन को भगवत गीतार कहिले परोपकाराय इदम शरीर ए शरीरटा जदि उपकार रे लागुची ताले जेते पारुच सीटा उपकार रे लागू तबे भगवान संतोष हेबे भगवान संतोष ले ये शरीरटा दिने कार्य रे लागिवनी एबे लागुची परमात्मा पळैला पर आउ लागिवनी तेणु ता पूर्वरु ये शरीर किछि होचंते उत्तम कार्य करिथाउ तबे आउ गोटे भलो शरीरटे देबे कारण परमात्माकर किछि परिवर्तन हुई नाही
से सदाबेले समान सेथिपाई कह जाए कीट पतंग तरु तृणे बसंती ओना दिकारोणी कीट पतंग तरु तृण ये समस्ते महाप्रभुंकर इमान होचंती प्रत्येक स्थान रे भगवान अछंती महाप्रभु अछंती सुखमाते सुखम भाव रे प्रत्येक शरीर रे निर्लिप्त आकार रे रहिछंती से चली गला परे से गछ मध्य सुखी करी तले पड़ी जाए से चली गला परे मनुष्य मध्य मूर्ता होई जाए से चली गला परे जीवटी मध्य होचंती मृता हो जाए आउ केही किछि काम रे लागतनी तेरो तांकर होचंती उपस्थिति जे पर्यंत अछि से पर्यंत प्रत्येक क्रिया सृष्टि होउछि सेई बेली भाव रे भग रहिबा पाई तांकु आनंद रे भगवान ये शरीरटा जो देइचंती ये शरीर भितरे आमे यदि होचंती किछि परमार्थिक कार्य उपकार करथिबा धर्म कार्य करथिबा ताले भगवान से अनुसार आउ गोटे शरीर टे देवे कहे ना ना ये दिव्य शरीर नहीं नदी हूँ मो वैकुंठ से न पहुँची पारा ये जन्म तुम्हें आउ थे मनुष्य करदे गोटे दिव्य मनुष्य ही पुणी जा वैकुंठ से पहुँच ना ऋषि मुनि मान पाखे जावा कर अतएव ये सब हूँ से कहुई पूर्व अर्जित कर्म फले जाचिम दे बड़े पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आम आज आम कर्मर फल भोग करुचे एवं पुणी मध्य से पूर्व अर्जित कर्म को लेकर आसंता जन्म को मध्य फल भोग करिबा आज आम श्रीमंदिर भुवनेश्वरी मंदिर उपर टिके आलोचना करिबा भुवनेश्वरी मंदिर जहाँ कि अनेक पार्श्व देवता मंदिर श्रीमंदिर मध्य अच्छे से भुवनेश्वरी मंदिर मध्य गोटे प्रख्यात स्थान ये मंदिर को पंचशक्ति मंदिर नाम केतेक संबोधन करी कारण खाली तो भुवनेश्वरी नांती आउ अनेक शक्ति माने मध्य अच्छा तेणु कूर्म बेढ़ार पश्चिम पार्श्वरे उत्तर भाग को तथा महाप्रभुंकर क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर परे परे श्री भुवनेश्वरीकर मंदिर टी दृष्टिगोचर होता है श्रीमंदिर जो विधि व्यवस्था स्वतलिपि अच्छी ता भितर 58 नंबर करे होचंती क ख स्वतंत्र भाव रे माँ भुवनेश्वरी विग्रह विराजमान करछन बाहर बखरा को देखिले बाम पार्श्वरे जगमोहनर सरस्वती नृसिंह विराजमान एवं डाहाण पार्श्वरे षष्ठी सावित्री गायत्री पूजित होती तेणु महाप्रभुंकर जो भव्य मंदिर टी अंतरबेढ़ा भितर अच्छी ये गोटे स्वतंत्र मंदिर तेणु पंचदेवी माने पूर्वाभिमुखी हो आसी नथिबा दृष्टिगोचर होता है भुवनेश्वरी को मध्य कई कई कमला बिल्कि बहुत संबोधन भुवनेश्वरी आविर्भाव रहस्य संपर्क में जना जाए श्रीमद नारायण वैकुंठ धाम श्रीकृष्ण गोलोक धाम और सदाशिव कैलास धाम परी भगवती भुवनेश्वरी धाम को मणिद्वीप कहुए या अन्य सप्तम धाम मानक थारु स्वतंत्र और सेठार श्री भुवनेश्वरी हेले चिंतामणि नामक निवास अवस्थान करेणु विभिन्न गवेषक मान विभिन्न तथ्य देखते तेज जदि आम दश महाविद्यार व्यवस्था को जीवा कालितार महाविद्या षोड़शी भुवनेश्वरी तेणु दश महाविद्या अंतर्गत भुवनेश्वरी अच्छा से मूल शक्ति पार्वतींकर से मध्य होचंती दश महाविद्यांक मध्यरु जणे विभिन्न शाक्त
ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ଏବଂ ତମ ଗୁଣ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରଜଗୁଣାଯୁକ୍ତ, ସେ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ। ଉଦ୍ୟତ ଭାନୁ ସମ ତାଙ୍କର ଶରୀରର କାନ୍ତି, ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମାସନା ତ୍ରିନୟନା ଚତୁର୍ଭୁଜା ଭଗବତୀ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଅଙ୍କୁଶ, ବାମ ହସ୍ତରେ ପାଶ, ତଳ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତଟି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା, ବାଁ ହାତଟି ହେଉଛନ୍ତି ବରଦ ମୁଦ୍ରାରେ ସୁଶୋଭିତ ଭଗବତୀଙ୍କର। ତେଣୁ ଭଗବତୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀକି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭଗବାନ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ଚତୁର୍ଥ ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି, ଯେଉଁମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ କେବୁଲ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯାହାକି ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ମହୋଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମହୋଦୟାଙ୍କର ଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ପହଞ୍ଚୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିକାନ୍ତି ଲୀଳା ଏହା ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରିନି କି ହେବାର ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ କଥା, ତେଣୁ ଏ ମହାନ ପ୍ରୟାସ ସେଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେଠି ତ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୂକ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପିଣୀ ନିତ୍ୟା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱରୂପା ସର୍ବମନ୍ତ୍ରାତ୍ମିକା ସୁଖ ମୋକ୍ଷଦାତ୍ରୀ ପାପତାପ ହାରିଣୀ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ପ୍ରଦାୟିନୀ ମହାଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ନାୟିକେ ଦଶତତ୍ୱାତ୍ମିକେ ମାତୋ ମହାବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ରାତ୍ରି ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଷୋହଳ ଶାସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସନବାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ସ୍ମାର୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦଶମ ମହାବିଦ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ମହାବିଦ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ରୂପେ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେହେତୁ ଦେବୀ ଉପାସନା ରହିଛି, ଦଶମ ମହାବିଦ୍ୟା ଭିତରୁ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କି କିଏ ସେହି ସ୍ୱରୂପର ଆଉ କୌଣସି ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି।
तेणु जगन्नाथ को श्री भुवनेश्वरी वैष्णव शक्ति परम पुरुष रूप केतेक गवेषक माने आरोपित करी कही थांती। श्रीमंदिर भितर बेढ़ार माँ भुवनेश्वरी विग्रह प्रतिष्ठा नहीं एक जनश्रुति प्रचलित अच्छे। थरे जने वृद्ध गरीब ब्राह्मण भुवनेश्वरी को संतुष्ट करने खंडिये बड़ पथर उपरे बसी दैनिक दर्पण गोटे आगे रखि था से मूर्ति की से पथर टी देखिए एवं तर्पण मध्य करती जप और ध्यान आदि करुले से जिते चेष्टा कले भुवनेश्वरी को संतुष्ट करे ना। दुख क्रोध विशेष भाव में प्रज्वलित होगा समय भुवनेश्वरी सम्मुखें आविर्भाव हो बर मागवापी कहले वृद्ध अन्य कौन सी कथा चिंता नक संगे संगे भुवनेश्वरी को से विराट पत्थर को मुंडाई तांको पछे पछे जीवा को कहले। भुवनेश्वरी अस्तु बोली कही से पत्थर मुंडाई बाली रे वो वृद्ध जो जो स्थान भ्रमण कले भुवनेश्वरी से पत्थर मुंडाई तांको सहित चलुले। वृद्ध जो घरे आश्रय नेउथिले विदाय नेबा बेले से घर मालिक को ताहा मागिबा अनुसार अर्थ द्रव्य दान करथिले। एपरि समय रे थरे भुवनेश्वरी जने घरु मालिक को पत्थर टी मागिबा पाई अनुरोध कले। वृद्ध से घर त्याग करिबा समय रे घर मालिक को किछि मागिबा को कहिबारु घर मालिक से पत्थर खंडी मागिल ओ वृद्ध से पत्थर टी तांकु प्रदान करदेले। भुवनेश्वरी सेठारु मुक्ति पाइले। परवर्ती समय रे सही पत्थर रे यही भुवनेश्वरी को मूर्ति निर्मित हुई भीतर बेढ़ारे संस्थापित होइथिबा सुना जाए। तेणु माँ भुवनेश्वरी को मंदिर उच्चता प्रायतः 35 फुट पाखापाखी हबो। मंदिर टी मुखशाला जगमोहन नाटमंडप नहीं निर्मित होइछि सुंदर मंदिर टी। मुखशाला बा गर्भगृह रे मध्यम भाग रे एक फुट उच्चता विशिष्ट प्रस्थर रे सिंहासन व प्रभा संलग्न हो अत्यंत लावण्यमयी देवी विग्रह पद्मासन रे विराजिता। विग्रह उच्चता प्राय 5 फुट चतुर्भुज विशिष्ट पा संकुश बर अभय मुद्रार भगवती सुशोभिता। विग्रह मस्तक रूपा निर्मित किरीटी गलार स्वर्णहार हस्तरे खड़ू कर्ण रे कानफुल इत्यादि स्वर्ण अलंकार मंडित होता है। भुवनेश्वरी मुख्य मंदिर द्वार देश में उभय पार्श्वर प्राय होती दुईट कलामुगुनी पथर निर्मित भैरव मूर्ति द्वारपाल भाव स्थापित होती। आपण मैंने देखुंट भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पुरुषोत्तम क्षेत्र को 22-5 देवी भक्त मान भीतर को चली दर्शन करने को एवं ये जो दर्शन करने को भक्त मान चली कई कई भक्त भीतर दर्शन सारी फेरुंती अनेक भक्त दर्शन करने को दर्शन अभिलाष अंतरप्रदेश को चली। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु परम पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ये जो रीति नीति लीला रही ये हूँ स्वतंत्र लीला। जगन्नाथ को जितेबले भक्त माने दर्शन करती ता भीतर अनेक देवादेवी माने अछंती जेहेतु वैकुंठ मर्त्य वैकुंठ भूस्वर्ग अहमिति विख्यातम देवानाम अपि दुर्लभ देवता मानक पाई दुर्लभ जे मर्त्य वैकुंठ। से दृष्टि भक्त मानकर मध्य धाड़ी लागिछि माघ मासर अपूर्व जहाँकि आज होती त्रयोदशी तिथि सिद्धिदायक तिथि तेणु महाप्रभु को दर्शन करने भक्त मान गहली चली दृश्य होमें भगवती परम आराध्या माँ शक्ति जी भुवनेश्वरी होती आलोचना करूचे
श्रीमंदिर भुवनेश्वरी दैनंदिन नीति मध्य माजणा स्नान बेष बल्लभ सकाळ दुपरु खेचड़ी भोग समर्पण दीप्रार धूप और संध्या धूपर पिठा आसी समर्पण होता है। एतद व्यतीत सुभद्रा जी कि मझीवाड़ अधरमाल प्रत्यह माँ भुवनेश्वरी को लगी कर आश्विन मासर भुवनेश्वरी पार्वण पूजा अनुष्ठित हुए एोल दिन जाए दैनिक तीन गंडा मुआ और तीन गंडा कोरा भोग निम्ते कोठरू जो जाए शारदीय पूजा उपलक्षे गजपति महाराज राजगुरु द्वारा गुआ बरण ही ब्राह्मण माने से स्वतंत्र भाव में चंडीपाठ और अन्य पूजा अर्चना कर सप्तमी अष्टमी नवमी तिथि माँ भुवनेश्वरी सिंहवाहिनी नारायणी राजेश्वरी इत्यादि स्वतंत्र बेश पालिया सेवकों द्वारा करा एवं भव्य स्वरूप माँ मध्य दर्शन दे था तेणु भुवनेश्वरी मंदिर सेवक माने बेढ़पत्र अनुजाई सेवा करी कारण अनेक सेवा अच्छी श्रीमंदिर भितर सब हूँ बेढ़पत्र अच्छी बेढ़पत्र सब निजोग माध्यम बेढ़पत्र करी जहाँ जो दिन पाली से अनुसार सेवा करती श्रीमंदिर सतुलिपि अनुसार 1954 मसीह रेकर्ड भुक्त सेवक मानक मध्यरे जहाँकि प्रतिहारी खुंटिया एवं पंडा नामक हूँ सब सेवक माँ को सेवा करवा रही श्रीमंदिर को आगमन करथिबा अधिकांश दर्शनार्थी मान बेढ़ा परिक्रमा समय रे भुवनेश्वरी मंदिर को जाई देवी को दर्शन कर भगवती जहाँ को कह जाए उद्यदीर्ण द्युतिमिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयन त्रय जुकुताम स्मेरा मुखिम बरदांग कुशपाशा करम प्रभजे भुवनेशी अर्थात मांकर प्रख्यात भाव रे ए ध्यान टी मांकर सम्मुख भाग रे उच्चारित होइथाय जदि च कोनसी व्यक्ति ध्यान मांकर जानी नहांती न जानती ताहले भगवती को मध्य जाउचंती आराधना करती भक्त माने एवं से सहित सेठी सरस्वती मंदिर भुवनेश्वरी मंदिर नाटमंडप बाम पार्श्वर कांथ संलग्न एक क्षुद्र मंदिर मध्य मारा सरस्वती हंसवाहन विराजित दुई भुजा विशिष्टा विग्रह उच्चता प्राय एक फुट मध्य देवी विग्रह पूर्वाभिमुखी माँ सरस्वती दुई हस्तर बीणा धारण करेवीं डाहाण पार्श्वर एक फुट उच्चता विशिष्ट श्री भगवान नृसिंह मूर्ति रही जहाँकि तत्वविद मान अनुसार अनुजाई स्वयं भगवान को श्रीमुखर माँ सरस्वती जन्म बोली वर्णना करगदेवी बोली कहुई थाए सरस्वती होती विद्यार अधिष्ठात्री देवी माघ मास शुक्लपक्ष पंचमी दिन यही मंदिर रे सरस्वती पूजा अर्चना महासमारोह रे अनुष्ठित होता है। यह बसंत पंचमी बा श्रीपंचमी नाम विदित श्री जगन्नाथ निकट रे हरिडा गंडी और हिंगू मिश्रित जहाँकि बसंत रंग काकरा पिठा भोग करा जाए था तात्पर्य विषय जे एदिन संध्या धूप नीति बढ़िबा परे माँ सरस्वती निकट में मंदिर प्रशासन तरफ जोगा जाइथिबा 22 गोटी नोडिया मध्य भंगा जाए और मादला पांजी पूजा होइथाय से स्थान देउलकरण तड़ौकरण मानकर दायित्व रे थिबा
ସମସ୍ତ ବେଢ଼ପତ୍ର ଯାହାକି ଭଦ୍ରାସନ ଉପରେ ଲୌହ ଲେଖନୀ ସହ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଜିକା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମୀପରେ ରଖାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦେଉଳକରଣ ତଡ଼ୌକରଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ତାଳପତ୍ର ରଚିତ ମାଦଳା ପଞ୍ଜିକା ଆନିତ ହୋଇ ମୂଳିଆ ଶୁଆସିଆ ଦେଇଥିବା ଭଦ୍ରାସନ ଉପରେ ଲୌହ ଲେଖନୀ ସହ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଜିକା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମୀପରେ ରଖାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଓ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦୈନିକ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତୁଲିପି ମୁତାବକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ବେଢ଼ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିହାରୀ କାଶୀନାଥ ପ୍ରତିହାରୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ମାଜଣା ନୀତି ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ନାନ ବେଶ ବଢ଼ାଯାଏ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ବ୍ୟତୀତ କୋଠରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ମାଠପୁଳି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ସକାଳ ଧୂପରୁ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଆନିତ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫୁଲମାଳ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ୍ପରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଗମନ ବା ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବସିବାର ବିଧି ପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ତଥା ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବସି ରହି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମାଙ୍କର ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେଠି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥାଏ ତେଣୁ ଦର୍ଶନାତ୍ ମୁକ୍ତିଦମ୍ ସାକ୍ଷାତ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନେ ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୟାନଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁକ୍ଳାଂ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର ସାର ପରମାଂ ଦଢ୍ୟାନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମ ଜଗତ ବ୍ୟାପିନିମ୍ ବିନା ପୁସ୍ତକ ଧାରିଣୀ ଅଭୟଦା ଦଢ୍ୟାନ୍ଧକାରାପହାମ୍ ହସ୍ତେ ସ୍ଫଟିକ ମାଳିକାଂ ଚ ଦଧତି ପଦ୍ମାସନେ ସଂସ୍ଥିତାମ୍ ବନ୍ଦିତାମ୍ ପରମେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରଦା ଶାରଦାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଏଇ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ନାଟମଣ୍ଡପ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଷଷ୍ଠୀ ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଜିତା ତେଣୁ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରାୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ଷଠୀ ଓଷା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବୁଜା ତାଙ୍କ ବାମ କୋଳରେ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ଆତ୍ମସୁଖ ଲାଭ କରୁଛି ତେଣୁ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଦିବୁଜା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସେଇ
ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ପରମ ଆରାଧ୍ୟମୟୀ ମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସାଧକମାନେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବା ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର, କାରଣ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଗାୟତ୍ରୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଶରୀରର ତେଜ ବଢ଼େ ଏବଂ ପାପ ବିନାଶ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ, ଯଦିଚ ଅନେକ ଦେବତା ପ୍ରପୂଜିତ, ତ୍ରିଶକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାନ ସମାହାର ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଏବଂ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମହାନ ତ୍ରିଶକ୍ତିଙ୍କର ସହିତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କର ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପତିତ ପାବନ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ କାନ୍ଥ ସହିତ ଚିତ୍ରିତ ପତିତ ପାବନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ପତିତ ପାବନକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାନ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଟି ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି, ଇଏ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ଧାରା ରହିଛି, ଇଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିର ସହ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଅପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଖାଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ନୁହଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହେବ, କ୍ଷେତ୍ରର ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବି ପୁଣ୍ୟ ହେବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ
ये जो महान प्रयास जय जगन्नाथ टीवी रो जहाँ सिद्धार्थ टीवी रो चतुर्थ नेटवर्क भाव रे प्रत्येक घरे घरे आपण माने महाप्रभुंकर दिव्य लीला से दिव्य पतित पावन को दर्शन कर पाऊछे तड़प उतरी लगी महाप्रभु बसी ये सुंदर स्वरूप ये स्वरूप को दर्शन करदे मन हजि जाए आउ किछि होचंती कौन सी स्वरूप अधिका नाही कारण भगवान कर ये जो दिव्य स्वरूप उपरे कौन सी स्वरूप आउ अलगा किछि नाही सेथिपाई जगन्नाथ महाप्रभु को जो माने आराधना करती प्रत्येक मुहूर्त रे निश्चित भाव रे होचंती तांकर त्रिताप विनाश ही थाए सेथिपाई पुरुषोत्तम क्षेत्र टी महान क्षेत्र ये क्षेत्र रे अनेक देवादेवी मानक मध्य रे आज आम भुवनेश्वरी ऊपर आलोचना करथिले जेतु भुवनेश्वरी होचंती गोटे प्रख्यात देवी जहांकर आपण माने देखिबे जगन्नाथ महाप्रभुंकर मध्य भाग रे जो भगवती सुभद्रा अछंती तांकु मध्य भुवनेश्वरी मंत्र रे पूजा करा जाय थाय तेनु भुवनेश्वरी उपासना मध्य होचंती पुरुषोत्तम क्षेत्र रे प्रत्येक देवतांकर उपासना थिले मध्य भुवनेश्वरींकर उपासना मध्य स्वतंत्रता रहिछ तेनु जाउ महाप्रभुंकर ए जो पवित्र क्षेत्र रु आमे मांकर दर्शन करूचे ऊर्ध्व देश रे महालक्ष्मी अछंती गुमुटरे भगवान पतित पावन नारायण बैश पावछ दे भक्त मान चली तेणु ये जो हूँ आमर सीधा प्रसारण कथा ये सीधा प्रसारण जारी रहिबो मु अनुरोध करी वर्तमान आमर आम शुणा स्टूडियो श्रीमती नमिता अग्रवाल महोदयांकर भावपूर्ण कंठरु सुंदर भजन सुनिबा परे जहाँकि जगन्नाथंकर भक्ति उद्देश्य समर्पित भजन सदा सर्वदा